हमारे विकासखंड मोरी से काफ़ी शिक्षक लंबी सेवा दे के इस दुर्गम विकासखंड से जा रहे हैं, तो ऐसी एक शिक्षिका हमारे पास हैं श्रीमती इंदु रवि, तो इनके अनुभव जानते हैं कि कैसा रहा इनका यहाँ का कार्यकाल। तो मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और बधाई शुभकामनाएं तो है, लेकिन आप दुर्गम से दुर्गम के लिए जा रही हैं, फिर भी आपका चेंज वो होगा, तो कैसा रहा आपका यहाँ का टेन्योर और क्या क्या चैलेंज बीइंग ए लेडी आपने यहाँ पे देखे हैं, ताकि आने वाले लोगों को भी पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ और टीचर्स आर लिविंग इन द हिल्स। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर अपॉर्चुनिटी। एक्चुअली जब हम लोगों ने 2014 में हम लोगों ने ज्वाइन किया था जी, तो नेटवर्क का इशू था, लाइट का था और पैदल था। अच्छा। काफ़ी दूर तक गाड़ियाँ जाती नहीं थी, तो पहले हम लोग सामान खचरों से ढोते थे। अच्छा। बट इतने साल में काफ़ी मतलब सुधार हुआ है। अच्छा। गाँव में भी और सड़कों में भी। अच्छा। तो रहने में आसानी भी हुई, शुरू शुरू में दिक्कतें आई बट अब अच्छा है। अच्छा। फिर एक इतने साल का आपका एक जगह जब आपका प्लेसमेंट होता है तो एक लगाव जैसा हो जाता है। अच्छा। फैसिलिटी ना भी हो बट अच्छा। एक जुड़ाव हो जाता है, चाहे वो बच्चों के साथ ही लगा लीजिए या लोगों के साथ लगा लीजिए। तो अभी आप बता भी रही थी कि इट वाज अ टियरी फेयरवेल फॉर यू, सब लोगों ने फुल फेयरवेल तो नहीं सर बट अभी फिलहाल तो दुखी तो होते ही हैं सर, दुखी हो रहे थे वो लोग भी बहुत ज्यादा। तो कैसा देखा आपने, मतलब एजुकेशन के लिए लोगों की अच्छी एक समझ विकसित हुई है इस दौरान? काफ़ी चेंजेस आए हैं क्योंकि हम लोगों ने बीच में कोरोना के बाद जो है बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा हुए थे। अच्छा। प्राइवेट स्कूल से भी हमारे पास बच्चे आए थे। बहुत बढ़िया, लेकिन अब वो चले गए सब, वो वापस चले गए। एक्चुअली उनके थोड़ा सा एक थिंकिंग होती है कि हाँ हम एक प्राइवेट स्कूल में, स्पेशली हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं वो सब गर्ल्स नहीं गर्ल्स हैं, बॉयज नहीं हैं, तो वो चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी थोड़ा सा मैंटेलिटी आप चेंज करेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ भी आपका झुकाव हो जाएगा कि जो फैसिलिटीज़ आपको प्राइवेट में मिलती हैं उससे बेटर गवर्नमेंट स्कूल्स में है, अपॉर्चुनिटी भी हैं एंड फ्री आपका बुक्स है, बैग्स हैं, ड्रेसेस है, खाना आपका वहीं है। अगर थोड़ा सा वो सपोर्ट जो आप प्राइवेट में करते हैं अगर वो आप गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ थोड़ा सा कर दें तो बच्चे अच्छा भी करेंगे और वो चीज़ें भी गलत साबित हो जाएंगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई नहीं होती है। बढ़िया। तो अभी जैसे बहुत सारी हमारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है, कई सारे हमारा एक कम्युनिटी को भी हम एंगेज करते हैं जी, तो पेरेंट्स का कैसा आपको सपोर्ट मिला पूरा? मुझे तो सर फुल सपोर्ट मिला है और अच्छा। आज भी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छा। आप मत जाइए। अच्छा 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 अच्छा। मेरी तरफ से तो बहुत प्यार मिला है, बच्चों अच्छा। का भी बहुत प्यार मिला है और पेरेंट्स अच्छा। की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिला है। ओके। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश पूरी की है कि हम उन बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कर पाएंगे और मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ कि मेरे जाने के बाद जो भी टीचर आएंगे तो उन बच्चों के लिए, उस स्कूल के लिए और अच्छा करें। आने वाले यंग टीचर्स जिनकी हम बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, उनके लिए कोई मैसेज, कोई उसमें गर्ल्स भी होंगी लेडीज होंगी जिन्होंने गाँव बिल्कुल नहीं देख रखा होगा? होता है सर। एक्चुअली मेरे साथ जो पहले एक शिक्षिका थी तो वो पहली बार हिल एरिया में आई थी, मैं तो उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ तो मैंने देखा हुआ है, बट ये है कि वो पहली बार आई थी तो उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा। बट अगर आप एक बार मन में ठान लेते हैं तो सब चीज़ें हो जाती हैं और सपोर्ट भी मिलती है, सपोर्ट मिलते हैं और बदलाव होता ही होता है, ऐसा नहीं है कि स्थिति एक जैसी रहेगी। अच्छा। अच्छे की तरफ होता ही होता है बदलाव, ये मैंने देखा है, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। बहुत बढ़िया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड डू वेल इन योर नेक्स्ट। थैंक यू।